अल्टीमेट नज़ारे यहाँ से। साइड आगे में बोट चल रहा है। गहराई कितना है आप कमेंट करके बताइए। पीला रास्ता है ये देखिए, और कार लेकर बुकिंग करने का प्रति व्यक्ति 250 है, और जैसे आप पूरा बोट बुक करते हैं तो उसका 2000 रुपये। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल थाना राम सा व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं कुटाघाट डैम। तो यहां पर बाइक पार्किंग किए हैं जिसका हमने 10 रुपये चार्ज दिया है भाई लोग को। और यहां वहां से आ रहा है पानी, दो गेट बना हुआ है इधर, और सब इधर गाड़ी वाड़ी खड़ा किए हैं। छोटा दुकान है यहां पे कुछ खाने पीने का। ये देखिए यहां से निकल रहा है पानी और उस साइड जा रहे हैं। और वहाँ पे शायद गार्डन वार्डन एरिया है, तो वहाँ भी देखते हैं, देखने को मौका मिलता है या नहीं। तो यहाँ ऊपर चढ़ना है डैम देखने के लिए। ओ भाई अल्टीमेट नज़ारे यहाँ से। और यहाँ पर इतने सारे लोग देखने के लिए आए हुए हैं। तो इस साइड देखिएगा, इस काफ़ी शानदार नज़ारा है इस साइड। और इधर से भी आने का है लेकिन गेट बंद कर दिए अभी। जहाँ तक आपको देख रहा है दूर दूर तक पूरा पानी ही पानी है, बहुत पानी है। और गाइस वहाँ पर कुछ लोग हैं, शायद वहाँ से बोटिंग करा रहे होंगे, और वहाँ बीच में कुछ बना कर रखे हुए हैं। और ये तो टापू है, देखिए बीच में है बढ़िया। यहाँ पे एक टापू है और उस साइड भी टापू है, वो देखिए एक और टापू और उस साइड भी टापू है। फिर मैं आपको उस साइड आगे की तरफ ले चल के व्यू दिखाता हूँ। देखिए इतने सारे लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं। और ये शायद ग्रेनेड लगाई है, देखिए बड़ा बड़ा मछली मारने का, जो वाइट वाइट दिख रहा है ना उसका है। शानदार व्यू है गाइस, ये टापू ना बीच में बहुत सुंदर दिख रहा है वो भी, और बीच में वो कुछ बना कर रखे हुए हैं मछुआरे लोग। और ये कितना गहरा है नो आइडिया, आपको पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि ये कितना गहरा है। और उस साइड आगे में बोट चल रहा है। इस साइड तो डैम है और सब, और इस साइड क्या है देखते हैं। ये देखिए, अच्छा उसमें गार्डन एरिया है लेकिन पतझड़ की वजह से ना अच्छे से पत्ता वत्ता है नहीं यहाँ पे। सन देखिए क्या सुंदर दिख रहा है, ये भी बहुत ही सुंदर है गाइस। सघाट का डैम रतनपुर से आप आते हैं तो लगभग 7 से 8 किलोमीटर आपको पड़ जाएगा। देखिए वहाँ पे बोट चल रहा है, इसका क्या प्राइस है पता नहीं, देखता हूँ कहीं पर अगर मालूम चले तो। अच्छा बोटिंग करने के लिए आपको ना उस साइड जाना पड़ेगा, बोटिंग एरिया उस साइड है, तो उस साइड में जाकर आपको पता करके बताऊँगा कि कितना ले रहे हैं बोटिंग करने के। फ़िलहाल मैं आपको उधर आगे जाकर व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस उस साइड से मैं आगे से आपको व्यू दिखा रहा था और इस साइड आ गया हूँ, तो इधर से मैं आपको भी व्यू दिखा रहा हूँ। बहुत शानदार व्यू है गाइस इस डैम का। ये देखिए पीछे साइड मैं आपको व्यू दिखाया हूँ, और बहुत बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है ये बिलासपुर रतनपुर का। अगर आप पहले आ चुके हैं तो कमेंट करके बताइए, और नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आइए यहाँ पर घूमने के लिए कुटाघाट डैम। जब आप बिलासपुर से अंबिकापुर रोड पर आएंगे ना, तब आपको रतनपुर मिलेगा, तो उसी के रतनपुर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर के आसपास में है ये कुटाघाट का डैम। आप गूगल मैप के ज़रिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए उस साइड बोटिंग होते हैं, तो उस साइड में आपको बोटिंग का रेट बताने वाला हूँ। पीछे साइड का व्यू देखिएगा, इस इधर पूरा पानी ही पानी भरा हुआ है, बहुत पानी है।
और इसका गहराई कितना है आप कमेंट करके बताइए अगर आपको मालूम होगा तो। और सुनने में आया कि ये बहुत ही गहरा है, ये इसका थाव नहीं है। और बरसात के दिन में ना बहुत यहाँ नज़दीक तक पूरा पानी भरा रहता है, पूरा पानी पानी है इधर जहाँ तक आप देख पा रहे हैं उधर। और जो ये टापू दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला, बरसात के दिन में ना ये डूब जाता है और पानी जो है ना यहाँ नज़दीक तक आ जाते हैं, काफ़ी पानी भर जाते हैं बरसात के दिन में। अभी तो क्या है, अप्रैल का महीना चल रहा है ना, इस कारण से भी पानी हैं बहुत हैं, लेकिन फिर भी ना बरसात के दिन में हद से ज़्यादा पानी यहाँ पर हो जाता है। मैंने उस साइड से आपको व्यू दिखा दिया है पूरा डैम का। और अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ बोटिंग का प्राइस बताने के लिए और किस साइड से आप बोटिंग करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ से जाना है हमें बोटिंग करने के लिए। तो इधर से भी व्यू देखिए, बहुत शानदार व्यू है यहाँ से। इधर आगे की ओर बढ़ते हैं, इधर तो पूरा ये देखिए पहाड़ हैं, पेड़ झाड़, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है क्या। इस साइड पेड़ पौधे हैं और एक साइड में पानी है, इस नाम से पथरीला रास्ता है ये देखिए। और कार लेकर भी आ सकते हैं, ये लोग लेकर आए हुए हैं। और आगे में वाटिका भी है, खूटा घाट पर्यावरण वाटिका, यहाँ पे गेट है ये। और टिकट काउंटर उस साइड है। वहाँ पर कुछ लोग बोटिंग करने के लिए गए हुए हैं। गाइस वहाँ पे टिकट काउंटर, चलिए पता करते हैं कितना ले रहे हैं टिकट। तो गाइस यहाँ पे बोटिंग करने का प्रति व्यक्ति 250 है, और जैसे आप पूरा बोट बुक करते हैं तो उसका 2000 रुपये चार्ज है यहाँ पे। खूंटाघाट डैम का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और गाइस यहाँ पर घूमने के लिए ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। आप पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हैं अपने फैमिली के साथ, या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पर बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्राइस बताए हैं प्रति व्यक्ति 250, और पूरा बोट जैसे आप बुक करते हैं तो उसका चार्ज आपको 2000 रुपये पड़ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।